हम अभी दिल्ली पे हैं, ये एयरपोर्ट से बहुत करीब है, ये महिपालपुर है। इधर हम लोग अभी रेस्टोरेंट रिव्यू करने आए हैं, शाही मुरादाबादी चिकन कॉर्नर। इधर आपको बहुत सारी हैदराबादी और इधर यूपी दिल्ली का स्पेशल डिशेस मिल जाएंगे। देखिए इधर का जो स्पेशलिटी है वो बिरयानी है। अरे लोग ट्रेडिशनली बहुत बड़ा जो बाउल होता है उसमें पकाते, देखिए। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। बताइए बॉस क्या क्या मिलता है इधर, स्पेशलिटी क्या है? हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन कौरमा, चिकन फ्राई, रुमाली रोटी, चिकन चंगेज़ी, ये सब कुछ मिल जाता है इधर। हाँ जी जी, ये डेली ओपन रहता है इधर। अच्छा, ग्रिल भी मिलता है? ग्रेवी में और ये सूखा में, ड्राई में, चिकन फ्राई। सो चलिए हम लोग आज क्या क्या ऑर्डर करते हैं, देखिए इसमें क्या है। हैदराबादी बिरयानी, देखिए हैदराबादी बिरयानी, उससे खुशबू से पता चल जाता है, बहुत बढ़िया। ये मुरादाबाद बिरयानी है, वो कैसे बनाया जाता है, स्पेशलिटी क्या है? ये नॉर्मल में होती है, मसाले में होती है, ये दम दम में नहीं होता, दम नहीं होता, दम में होती है। ओके चलिए, ग्रिल में क्या है? ये कोरमा है, देखिए चिकन कोरमा है, ये चिकन जो डीप फ्राई वाला है, ग्रिल वाला है, चिकन फ्राई है। चाट मसाला है या चिकन फ्राई होता है, चिकन फ्राई लेमन से चाट मसाला। ओके देखिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा वाला चटनी है? ये रेड चटनी है, उसे ट्राई करते हैं। मालूम है दम बिरयानी टाइप का होता है हैदराबादी बिरयानी, करिए। ये स्पाइसी है, बहुत बढ़िया है, जो ट्रेडिशनल फ्लेवर होता है उसका परफेक्टली जो इंडेक्स है। चलिए मुरादाबाद ग्रेन ट्राई करते हैं, मैंने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। दिखने में पलाव जैसा है, हम लोग उसका जो इंग्रेडिएंट है उसे ट्राई करेंगे। पलाव का बहुत टेस्ट आ रहा है, पलाव होता है ये, परफेक्ट पलाव का टेस्ट आ रहा है। चिकन बहुत टेंडर है, सॉफ्ट है, ये दूसरे लिए अलग है बट बहुत बढ़िया है, आपको ज़रूर आना चाहिए। कितना अच्छा से फ्राई किया है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ, बहुत ही टेंडर है, बहुत बढ़िया कदर है, उसमें जो सब कुछ मसाला मैरिनेटेड मसाला है परफेक्टली इंटेक्ट है, और जो फ्राई किया हुआ है बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है। ये एयरपोर्ट से बहुत करीब है, ये जो महिपालपुर जंक्शन है जो एयरपोर्ट का, इधर आ जाइए आप, आपको बहुत मजा आएंगे यार, बहुत बढ़िया, आपको जरूर आना चाहिए।